हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत है। और हम क्लाक पढ़ रहे थे। क्लाक में हमने आपको 5 वीडियोज प्रोवाइड किए हुए हैं, उसी क्रम में हमारा ये 6ठा वीडियो है। और अगर आप एक बार सुचारू रूप से सारे वीडियोज देखते हैं तो जब रीजनिंग कंप्लीट होगी तो आपकी भी रीजनिंग इतनी भरपूर कंप्लीट हो जाएगी, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे अगर रीजनिंग से प्रश्न आएगा तो उसको आप कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधित प्रश्न। अभी तक हम जितने भी प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं, पहले घंटे तथा मिनट की सुइयों पर आधारित, दूसरा था कोण पर आधारित, तीसरा समय पर आधारित, चौथा अतिव्यापन, पांचवा हमने देखा तेज या मंद होना, फिर हमने देखा दोनों सुइयों के समान दूरी पर आधारित प्रश्न। अब उसी क्रम में हम देखेंगे कि दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधित प्रश्न, यानी कि घड़ी के चैप्टर में जब दर्पण संबंधित प्रश्न आता है तो उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ये आज हम जान लेंगे। आज के बाद ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये हम हैं अमन मिश्रा। और उसके बाद लिखा गया है ये न्यू आकार, ये आपकी अपनी संस्था है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा करना है। ये आपका अपना परिवार है, इसको आप जितना बड़ा करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे मेंबर इसमें शामिल होंगे और आपको आनंद आता रहेगा। यानी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप मन करें तो कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने सेशन पे। यहाँ पे आपके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है जिससे आपको प्रेरणा ले लेनी चाहिए और आज से आप एकदम अपने लक्ष्य में डट जाइए, लग जाइए। जैसे कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा पाए। आप किस्मत के भरोसे ना बैठें। किस्मत कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं देती है जो केवल सो रहे हैं, यानी कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना ही पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना ही पड़ता है। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जीवन में आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला है, ये काम आपको ही करना है। तो आप लग जाइए एकदम से, आज नहीं तो कल लगना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कल मेहनत करें उससे अच्छा है कि आज मेहनत कर लें। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जब समतल दर्पण लंबवत वर्टिकल रखा जाए। समतल दर्पण पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या बातें होती हैं इसके आगे लिखा गया है। और इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दर्पण से, जिसमें पहला प्रकार ये है कि जब समतल दर्पण लंबवत यानी कि वर्टिकल रखा जाए। तो यहाँ पे लिखा गया है जब किसी दर्पण को धरातल से 90 डिग्री पर रख दिया जाए। इसका मतलब क्या है, ये आपको दर्पण दिख रहा है, ये है हमारा धरातल और इस पर इसको 90 डिग्री पर रख दिया गया है, यानी कि वर्टिकल रख दिया गया है। तो उसके बाद लिखा गया है वह दर्पण लंबवत दर्पण कहलाता है। ठीक है, लंबवत दर्पण कहलाता है। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ेंगे तो लंबवत दर्पण में किसी वस्तु अथवा आकृति का बायां दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि लेफ्ट राइट की तरफ और राइट लेफ्ट की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कोई भी इमेज जिसको आप सीधा सीधा बीच में से काट देंगे तो उसका दायां और बायां अपरिवर्तित रहता है। ऐसे इमेज को जब हम अपने दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबवत दर्पण में जब हम उस इमेज को देखेंगे तो उसमें उसका दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ बनता हुआ प्रतीत होगा, जबकि ऊपर तथा नीचे का भाग अपरिवर्तित रहता है, जैसे कि आईने में हम खुद को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है लेकिन ऊपर तथा नीचे का भाग स्थिर रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज में जब दर्पण संबंधी प्रश्न पूछा जाता है तो जो वो वाली घड़ी आती है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं लिखा रहता है, केवल डॉट बने रहते हैं, तो इसमें ऐसे डॉट बना रहेगा। और इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि कौन सा इमेज इसमें बन रहा होगा। अगर हम देखें तो इस घड़ी में इस समय 3 बज रहा है, यानी कि हमारा जो वास्तविक समय है वो 3 बजे का है। और जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमने आपको बताया कि दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है, जबकि ऊपर और नीचे का भाग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो ऊपर और नीचे वाली सुई है ये तो अपरिवर्तित कांस्टेंट यहीं पे बनी हुई है, लेकिन दायां बायां अपरिवर्तित होता है तो जो ये वाली सुई है वो पलट के इस तरफ आ जाएगी। यानी कि अब हमारी घड़ी में जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें दिख रहा होगा 9। अगर हम 3 बजे वास्तविक समय का दर्पण प्रतिबिंब देखें तो उस समय उसमें 9 बज रहा होगा। तो आगे देखते हैं, इस पे संबंधित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये 4 बातें अगर याद रहेंगी तो इस प्रश्न को आप एकदम आसानी से कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा रूल और ये चार नियम है। नियम क्या है, ये एक बेसिक चीजें ही हैं। जैसे प्रतिबिंब समय आपको दिया रहेगा तो 12 माइनस वास्तविक समय करेंगे तो इससे पक्षांतर करके ही चारों ऑप्शन ये आए हुए हैं। यानी कि प्रतिबिंब समय बराबर 12 माइनस वास्तविक समय, और वास्तविक समय बराबर होता है 12 माइनस प्रतिबिंब समय, या यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रतिबिंब समय बराबर 24 माइनस वास्तविक समय। 24 इसलिए क्योंकि कभी कभी किसी घड़ी में 12 के बाद एक ना बज के 13 बजते हैं, तो उस समय अगर उस पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो हम 24 में से घटाएंगे और उस समय में वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 24 माइनस प्रतिबिंब समय। इस पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हैं, उसकी घड़ी में 7 बज रहा है और उसे दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में उसे क्या समय दिखाई देगा। अभी तक बताई गई बातों के अनुसार ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आप इसको फिगर बना के भी हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं रहता है जिस प्रकार यहां पे आपको दिखा। एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस घड़ी में फिगर के अनुसार अगर उस प्रश्न को हम देखें, जैसे इसमें 3 बज रहा था तो हमने इसको उस तरफ पलटा तो इस सुई को इस तरफ कर दिया, क्योंकि दायां बायां परिवर्तित होता है, ऊपर नीचे अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन क्या बताइए आप परीक्षा में ऐसे कर पाएंगे। आप दर्पण बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, उसमें सुइयों को दर्शा के फिर उस तरफ पलटेंगे तो आपको समय लगेगा। यानी कि आपको करना इसके अकॉर्डिंग है जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम इस प्रश्न को देखें क्या कर सकते हैं, तो हमको दिया गया है कि उसका जो वास्तविक समय है, वास्तविक समय बराबर दिया गया है 7 बज रहा है। अगर वास्तविक समय 7 बज रहा है तो हमको बताना क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब समय। तो इसके लिए हमने क्या लिखवाया आपको, प्रतिबिंब समय बराबर 12 माइनस वास्तविक समय। तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 7, अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, यानी कि उस समय हमारे घड़ी में क्या बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा। आप समझ पाए, यहाँ पे दिया गया था कि अगर वास्तविक समय 7 बज रहा है तो हमको दर्पण के सामने उस प्रतिबिंब को रखने के बाद क्या समय दिखाई देगा। जो इतनी बातें लिखी गई है इसमें आपके काम की केवल ये बात है कि 7 बज रहा है और हमको बताना क्या है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा, वो वास्तविक समय दिया गया था। तो हमको पता है कि वास्तविक समय बराबर होता है 12 माइनस प्रतिबिंब समय, या प्रतिबिंब समय बराबर होता है 12 माइनस वास्तविक समय। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब नजर आएगा, यानी कि प्रतिबिंब समय ही बताना था। तो प्रतिबिंब समय बराबर 12 माइनस वास्तविक समय हमको 7 दिया गया था, हमने घटा दिया तो हमारा 5 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि ओपी की घड़ी में, ओपी मतलब इसका कुछ समझना मत, ये हमारे यहाँ एक लोग ओपी हैं, ओम प्रकाश, उनके नाम पे हमने इसको लिखा है। ओपी की घड़ी पे 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हैं, यदि उसके घड़ी में 7:40 हो रहा है अब, तो हमको बताना है कि दर्पण में उस समय प्रतिबिंब समय क्या बज रहा होगा। हमको पता है कि प्रतिबिंब समय बराबर होता है 12 माइनस वास्तविक समय, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर उनके जो वास्तविक समय हैं वो 7:40 हो रहे हैं, तो हम 12 में घटाएंगे तो इसको उस तरीके का नहीं घटाया जा सकता जैसे कि आप पहले से घटाते आए हैं गणित में। तो इसको घटाने के लिए जब मिनट संबंधित प्रश्न आ जाए तो 12 में ना घटा के हम इसको घटाएंगे 11:60 में। क्या ये बातें और ये बातें सेम हैं, चाहे 12 को आप 12 बोलिए चाहे 12 को आप 11:60 बोल दीजिए, बातें सेम है ना। तो 11:60 में अगर हम 7:40 घटा दें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 60 में से अगर 40 जाएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, या सही से घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे 11 है, 11 में से 7 गया तो 4, यानी कि वो समय हमारा होगा 4:20। उस समय हमारी घड़ी में प्रतिबिंब में देखने पर क्या बज रहा होगा, 4:20। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा फिर एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको वास्तविक समय दिया गया था 7:40,
अगर वास्तविक समय दिया जाए आपसे प्रतिबिंब समय पूछे तो हमने चार फार्मूला आपको लिखाया है कि प्रतिबिंब समय बराबर होता है 12 माइनस वास्तविक समय या वास्तविक समय बराबर होता है 12 माइनस प्रतिबिंब समय। और अगर 13, 14, 15 वाली घड़ी हो जिसमें ये सब बज रहे हों तो वास्तविक समय बराबर 24 माइनस प्रतिबिंब समय और प्रतिबिंब समय बराबर 24 माइनस वास्तविक समय होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फार्मूला में रख दिए और हमारा उत्तर आ गया 4:20। आगे लिखा गया है नंबर 2 क्षैतिज दर्पण, यानी कि जो पहला होता है हमारा वो लंबवत दर्पण था और दूसरा हमारा जो होता है वो क्षैतिज दर्पण होता है। इसी को हम जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। जब आपसे पूछता है कि इतने बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, वही है क्षैतिज दर्पण। इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा गया है किसी वस्तु अथवा आकृति का क्षैतिज दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब क्षैतिज या जल दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद लिखा गया है कि क्षैतिज दर्पण में किसी आकृति का ऊपर का भाग नीचे की तरफ तथा नीचे का भाग ऊपर की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है। किसी क्षैतिज दर्पण में किसी आकृति का ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है या बनता है। उसके बाद लिखा गया है लेकिन दायां तथा बायां भाग स्थिर रहता है। उसी का विपरीत, उसमें क्या होता था, दायां बायां तरफ, बायां दायां तरफ बनता हुआ प्रतीत होता था, ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता था। इसमें ऊपर का भाग नीचे की तरफ, नीचे का भाग ऊपर की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है, जबकि दायां और बायां स्थिर रहता है। और ये ऐसे रखा जाता है जैसे कि इस पे रखा गया है। तो अगर इसको हम देखें तो इस घड़ी में कितना बज रहा है, इस घड़ी में यहाँ पे 6:15 यानी कि 6:15 बज रहा है, ठीक है। अगर इसका हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब देखें या जल प्रतिबिंब देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें नीचे का भाग ऊपर की तरफ, ऊपर का भाग नीचे की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है, जबकि दायां और बायां भाग स्थिर रहता है। तो दायां और बायां भाग को हमको नहीं छेड़ना है, ये तो अपने जगह पे स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो अब घड़ी में क्या बज रहा होगा, यानी कि 12:15 हो रहा होगा। यानी कि जब हमारा वास्तविक समय 6:15 है तो उस समय जल प्रतिबिंब हमारा 12:15 दर्शा रहा होगा। अगर आप पानी में भी घड़ी दिखे तो अब आप राइट टाइम बता दीजिएगा। अगर आपको पानी में 12:15 दिख रहा है यानी कि रियल में क्या बज रहा होगा, 6:15 बज रहा होगा। तो आइए इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। अगर इसमें देखें तो दिया गया है यदि दिया गया समय 6 या 6 से कम हो तो उसे 6:30 में घटाकर तब उत्तर दिया जाता है, यानी कि प्रतिबिंब समय बराबर 6:30 वास्तविक समय। और यदि दिया गया समय 6 से अधिक हो तो उसे 18:30 में से घटाकर तब उत्तर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब समय बराबर 18:30 माइनस वास्तविक समय। तो आइए इस पे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान हो तथा घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है, यदि उस घड़ी में वास्तविक समय दिया गया है 4:50 तो प्रतिबिंब समय बताना है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब समय बराबर 4:50 दिया गया है, यानी कि हम घटाएंगे 6:30 में से। अगर 6:30 में से हम 4:50 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्यों आ जाना चाहिए, अगर हम 6:30 में से 4:50 को घटाएं तो उत्तर आ जाना चाहिए। तो 6:30 में से 4:50 को हम कैसे घटा पाएंगे, इसमें से 1 घंटे और उधर लेके जाएं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 घंटा 60 मिनट उधर गया तो इसको हम लिख सकते हैं 5:90, और इसमें से अगर हम 4:50 को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 40, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 1:40 वह समय होगा जब ये घटनाएं घटित हो रही होंगी। यानी कि वास्तविक समय 4:50 होगा तो उसमें हमको क्या दिख रहा होगा, 1:40। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि इसमें हमको वास्तविक समय पता था कि 4:50 हो रहा है, और जब भी 6 या 6 से छोटा होगा तो हम उसको 6:30 में घटाते थे। अगर इस 4:50 को हम 6:30 में घटाएं तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, तो पहले हम इसमें से 1 घंटे उधर लेके जाएंगे, तो इसको हम 6:30 की जगह लिख सकते हैं 5:90, और 5:90 में से अगर हम 4:50 घटा दें तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1:40। ये हमारा जल प्रतिबिंब बन रहा होगा या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं ऊपर से यहां तक
आपके काम के कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि वास्तविक समय 7:50 हो तो प्रतिबिंब समय हमको बताना है। पूरे प्रश्न में यही इतनी बात आपके काम की है। तो अगर हमको पता है कि वास्तविक समय 7:50 है तो प्रतिबिंब समय हम कैसे बताएंगे? प्रतिबिंब समय चूंकि यहाँ पे 7:50 ये जो दिया गया है ये 6 या 6 से ज़्यादा है तो हम किस में घटाएंगे? 18:30 में घटाएंगे। तो यदि 18:30 माइनस 7:50 करें तो 18:30 में 7:50 को घटाने के लिए फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 30 है यहाँ पे 50 है तो इजीली घटाया जा सके। इसके लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, एक घंटा उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 और उधर एक घंटा जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 7:50। अगर अब हम इसको घटा दें तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पे 17 में से 7 गया तो 10, वह समय क्या हो रहा होगा? 10:40। तो इस प्रश्न को आप समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा गया है वास्तविक समय 7:50 है, हमको प्रतिबिंब समय बताना था, हमको पता था कि जब भी वास्तविक समय जो हमारा है वो 6 या 6 से अधिक होगा तो हम 18:30 में से घटाएंगे, 6 या 6 से छोटा होगा तो हम किस में घटाएंगे? 6:30 में घटाएंगे। तो ये तो 6 से बड़ा था इसलिए 18:30 में से 7:50 को हमको घटाना था, लेकिन यहाँ पे 30 है यहाँ पे 50 है तो हम इसमें से एक घंटा इधर लेके चले जाएंगे, एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बातें और ये बातें दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे हम 18:30 कहें चाहे हम 17:90 कहें, दोनों बात आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हो गया 17:90 माइनस 7:50 और अगर इसमें से इसको हम घटा दें 0 में 0 जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 7 गया 10, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 10:40 पर बजे क्या होगा? 7:50 का जल प्रतिबिंब बनेगा। कितना? 10:40। 7:50 का जल प्रतिबिंब 10:40 बन जाएगा। तो इस प्यारे से प्रश्न का हमारा उत्तर होगा 10:40। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण संबंधी प्रश्न जो है वो समझ में आ चुका होगा। बहुत बेसिक प्रश्न होता है, आप इसको कर पाएंगे आगे से। आप इसको फिगर बना के कभी ना कीजिएगा। जो बातें इसमें लिखी गई है एक बार में नहीं समझ में आता है तो ये तो यूट्यूब है, वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दहाड़ के आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इसी वर्ष आपको सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरे न्यू आकार एकेडमी की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोग आपके लिए सफलता तक लगे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।